जो है सेशन हर हालत में होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में 7 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक रखा गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के खतरों के बीच सरकार सत्र को करवाने का रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन विपक्ष सीपीआईएम व निर्दलीय शीतकालीन सत्र करवाने के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए विधानसभा सत्र तो होना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन सत्र धर्मशाला में हो या शिमला में इस पर अभी भी संशय है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार की गैर मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक में सत्र पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बैठक के बाद बताया कि विपक्ष व अन्य सदस्य सत्र करवाने के पक्ष में है, इसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की जाएगी। कैबिनेट में अंतिम फैसला लिया जाएगा कि सत्र कहां करवाया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने बहुत जगह बंदिशें लगाई, ऐसे में सत्र कहां व कैसे ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। उधर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष सत्र करवाने के पक्ष में है, इसलिए सरकार सत्र को टालने की कोशिश न करे। सेशन होना चाहिए क्योंकि जब शादियां व सरकारी जश्न हो रहे हैं तो सेशन करवाने में क्या समस्या है। कोरोना पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार असफल हो चुकी है, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इन सभी सवालों के जवाब सरकार से सत्र में मांगे जाएंगे। आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी की अध्यक्षता में, उसमें हमने हिस्सा लिया है और हमने उसमें बिल्कुल स्पष्ट किया है कि सेशन हर हालत में होना चाहिए और सेशन ना होने की कोई वजह नहीं है। एक तो कैबिनेट ने सेशन को डिसाइड किया कि 7 से 11 तक सेशन होगा, उस पे जो है महामहिम राज्यपाल ने अपनी मोहर लगा दी, वो सेशन नोटिफाई हो गया और उसके लिए विधानसभा में लगभग 400 के आसपास क्वेश्चन लग चुके हैं। कल डेट भी उसकी लास्ट थी, वो भी निकल गई है, तो इसलिए जो है सेशन हर हालत में होना चाहिए। हमने अपना बिल्कुल स्पष्ट नज़रिया उनके समक्ष रखा कि बहुत मसले ऐसे हैं जिन पे चर्चा की ज़रूरत है और एक कन्वेंशन रही है कि दिसंबर में सेशन होता है, तो आज तो इस बात पे डिसाइड हुआ है कि सेशन किया जाए। डिसाइड तो कैबिनेट ने पहले ही कर लिया था, लेकिन सर्वदलीय बैठक में भी इसी बात पे एम्फेसाइज दिया गया है, जोर दिया गया है कि लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल के उभरते डांसर्स को अब प्रदेश में ही मिलेगा मौका। लाइफ टाइम्स टीवी पेश कर रहा है हिमाचल डांस चैंपियनशिप। यहाँ आपको मिलेगा अवसर अपनी प्रतिभा दिखाने का और आपको परखेंगे फेमस डांस मास्टर्स। चैंपियनशिप का हिस्सा बनने के लिए आज ही संपर्क करें।